इधर मैं देख रहा हूँ नौजवानों के हाथ में बड़े स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा मुख्यमंत्री आए हो चुपचाप बांट के चले गए हो? क्या ये बाबा मुख्यमंत्री के दिए हुए स्मार्टफोन है? वो तो कह रहे थे कि 1 करोड़ स्मार्टफोन दिए हैं। गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। कर रहे थे लैपटॉप, बताओ लैपटॉप मिला है किसी को? और बाबा मुख्यमंत्री देते भी क्यों आपको? वो तो खुद ही चलाना नहीं जानते। और इधर आपने उनकी एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर, वो खुद पश्चिम देख रहे हैं और जनता पूरब देख रही है। बताओ तस्वीर देखी कि नहीं देखी? इससे पता लग रहा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। और एक और उनके नेता हैं जो बहुत बड़े नेता हैं, वो डोर टू डोर जब प्रचार कर रहे थे उस समय थूक लगा करके पर्चा दे रहे थे। अभी उन्होंने जो लैपटॉप पे बयान दिया है उस बयान को सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि जो 12वीं के बाद इंटर पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन ले लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ लैपटॉप नहीं दिया, स्मार्टफोन नहीं दिया। और ये इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि न केवल ये चलाना नहीं जानते बल्कि आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है उसके महत्व को भी नहीं समझते हैं। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण सुने, इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और आश्चर्य करने की बात तो ये है कि जो बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता है वो अपने से छोटे को झूठ बोल रहा है, जो छोटा नेता है वो अपने से छोटे नेता को झूठ बता रहा है, जो सबसे छोटा नेता है वो कार्यकर्ताओं को झूठ बता रहा है। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये मैं भाषण सुन रहा था उनके बड़े नेताओं के, उनके महंगाई में महंगाई पर कोई बात नहीं कह रहे, महंगाई पर उनके मुंह में ताले लग गए हैं। जो डीजल पेट्रोल महंगा है जनता सवाल पूछ रही है, तो वो दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से अब महंगाई को लेकर के जनता के पास नहीं जा रहे हैं। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले तो ये कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, ये कहा था कि नहीं कहा था? और जब से सरकार में आए हैं डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी इन्होंने, आज हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठा रहे थे उन्होंने देश के सब हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए।
पानी के जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, और जहां रेलगाड़ी थी रेलगाड़ी बिक रही हैं, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन भी बेच रहे हैं। और वो इसलिए बेच रहे हैं, आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो ना नौकरी देनी पड़ेगी और ना आरक्षण देना पड़ेगा। बताओ इसीलिए बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, कि नौकरी ना देनी पड़ जाए, आरक्षण ना देना पड़ जाए। ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ों का बहुत सम्मान करते हैं, दलितों का बहुत सम्मान करते हैं। बताओ हमारे नौजवानों, आप पढ़े लिखे हो, जो आईएएस बनाए गए हैं बिना परीक्षा वाले, बताओ उसमें से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों में से कितने बने हैं? जो बड़े पदों पर बैठा दिए गए वो बताओ, आपके बीच से कोई बना हो तो बता दो, कोई पिछड़ा बना हो बता दो, कोई अल्पसंख्यक बना हो तो बता दो, कोई दलित बना हो तो बता दो। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गासी न्यूज़ चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।